सांगली ते मुस्लिम धर्मियांची पवित्र हज यात्रा 17 जूनपासून सुरू होत आहे. जगभरात पसरलेला कोरोना व्हायरसमुळे यात्रा रद्द होणार अशी अफवा पसरली जात आहे. त्यामुळे हज यात्रेकरूंनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य हज समितीचे अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी यांनी केलं. ते सांगलीमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये बोलत होते. यावर्षी हज यात्रेसाठी भारत देशाचा कोटा 1,76,000 ठरलेला आहे, परंतु जवळपास 2,00,000 यात्रेकरू जातील असा विश्वास जमाल सिद्दीकी यांनी व्यक्त केला. ते पुढे म्हणाले, महाराष्ट्रातील 28,300 नागरिकांनी हज यात्रेसाठी अर्ज केला. सांगलीतून 701 जणांनी अर्ज केला असून 251 जणांचा नंबर लागला आहे. आणखीन काही ज्यादा जागा मंजूर होतील. पंतप्रधान मोदींनी 125,000 जागा वाढवण्याचं आश्वासन दिलं असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. ते पुढे म्हणाले, हज यात्रेकरूंच्या सुरक्षिततेसाठी केवळ प्रशिक्षण थांबवले आहे, ते एप्रिलमध्ये सुरू होईल. सौदीमध्ये त्याची जोरदार तयारी सुरू आहे. यापूर्वी निश्चितच कोरोना व्हायरसमुळे नियंत्रण आणलं जाईल. यावेळी हज समिती सदस्य आकाश मुल्ला, शेहनवाज सौदागर, भाजपचे दीपक शिंदे, श्रीकांत शिंदे आदी उपस्थित होते. हज 2020 के नियोजन के लिए उसके जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे तय थे उसके लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ. आज हमने यहाँ पर जो प्रशिक्षण होने वाला था उसको जो सरकार ने पाबंदी लाई है कोरोना वायरस की वजह से उसको हमने आज पोस्टपोन कर लिया है. कुछ लोग गलत फहमियाँ फैला रहे हैं कि हज 2020 नहीं होगा, ये अफवाह है. लोगों को इसमें आने की आवश्यकता नहीं है. हज की तैयारी पूरी तरीके से चल रही है. सऊदी हुकूमत ने भी अभी हज को बैन करना है या उस पर कोई कठिनाई आने वाली है इसके लिए भी कोई आदेश नहीं निकाला है. हज इंशाल्लाह पूरी तरीके से अपने समय पर होगा. लोग कुछ गलतफहमियां फैला रहे हैं कि हज इस बार रद्द हो जाएगा इसलिए पैसे ना भरे जाएं. जिनके नंबर लगे हैं, जो हज यात्रा पर जाने वाले हैं, जिनका चुनाव हुआ है, वो इनके बातों में ना आए. समय पर अपने पैसे भरें, समय पर हज होगा, किसी के अफवाह में आने की आवश्यकता नहीं. आज जो मुसलमानों से मोहब्बत करने का दावा कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के शासनकाल में जो मंत्री रहे हुए वो करते हैं, मुझे हंसी आती है. क्या यही मोहब्बत है? आज महाराष्ट्र में जहां से लगभग 15 हाजी हज यात्रा पर जाते हैं, जो देश का दूसरा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा हाजी भेजता है, उसका खुद का हज ऑफिस नहीं है. आज 15 अगस्त 26 जनवरी को हमारे ऑफिस में हम झंडा वंदन नहीं कर सकते क्योंकि हम किराए की बिल्डिंग में रहते हैं. वहाँ जो साबू सिद्दीक मुसाफिर खाना है वहाँ के लोग झंडा वंदन करते हैं. हमारे जो हज यात्री मुंबई से हज यात्रा पर जाते हैं, अभी सांगली लोग फ्लाइट पकड़ने के लिए मुंबई आते हैं, उनको ठहरने की व्यवस्था नहीं है.